इंदौर में हर दिन धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही थी। ऐसी ही शिकायत जोन क्रमांक 2 साइबर क्राइम टीम पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो बदमाशों को पकड़कर जेल भेज दिया है। दरअसल इंदौर जोन क्रमांक 2 साइबर जेल की टीम को फरियादी द्वारा शिकायत की गई थी कि जब उन्होंने ऑनलाइन फोन बुक किया तो फोन के बदले बॉक्स पैकिंग में साबुन निकला, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। छानबीन में पुलिस को आरोपियों की जानकारी मिली, जो मोबाइल डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, जिसके बाद आरोपियों से पूछताछ की गई तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। कुछ मोबाइल लुटाए गए हैं, किस तरह का मामला है? हाँ, अलग अलग साइबर क्राइम में अपना जोन 2 पलासिया में अलग अलग प्रकार की मोबाइल की रिपोर्टें आई थी, जिसमें से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर किया था और उसको मोबाइल के स्थान पर एक साबुन प्राप्त हुआ था। तो उसके जो बिल था, बिल के आधार पर हमारे द्वारा सर्चिंग करके मोबाइल प्राप्त किया गया और आरोपी को भी खजराना से हमने जेल भिजवाया है और मोबाइल प्राप्त करके उसको लौटाया है और अन्य भी 2-3 जो जिनके मोबाइल गुम हो गए थे उनके मोबाइल सर्चिंग करके उनको वापस कराए हैं। सर, इसमें कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार कराया है, षड्यंत्र का भी? जो 2 आरोपी जो थे, जो ऐसे डिलीवरी बॉय का काम करते थे, जो डिलीवरी में जैसे मोबाइल की जगह पे वो रख दिया उन्होंने साबुन, इस तरह से काम करते थे वो और कुछ गायब कर देते थे, उनको हमने उन पर कार्रवाई की है। उनको खजराना से कुछ दिन पूर्व ही जेल भेज दिया है। सर, उनसे पूछताछ में सब क्या सामने आया, कब से कर रहे थे या पहली बार ही की थी उन्होंने? नहीं, वो काफ़ी समय से कर रहे थे, उनसे पूर्व में भी 7-8 मोबाइल जब्त हुए थे, उनको न्यायालय भेजा था। आपका परिचय? उप निरीक्षक रितेश यादव, साइबर क्राइम जोन 2।